हाँ जी सर्विस में बच्चों को बाप याद करती सागर भक्त। हाँ जी सर्विस तो कई प्रकार की होती है, तन की सेवा, तन की सर्विस होती है, घर की मन की, मन सेवा, वाचा सेवा होती है, संबंधी कौन सी सर्विस को बाप ज्यादा महत्व देती है, कौन सी बच्चों को ज्यादा, बच्चों को याद सहज होती है, बच्चों को बाबा खुद याद करती है। जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं उनको सब प्रकार की सेवा में आनंद आता है, चाहे वो कर्मणा की सेवा हो, वाचा की सेवा हो, धन की सेवा हो, तन की सेवा हो, कैसी भी सेवा हो, उस सेवा को बड़े प्यार भाव से करेंगे। सेवा भी तीन प्रकार की होती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। जो सेवा रो रो के की जाती है, मजबूरी से की जाती है, जो सेवा दूसरों को रुलाई देती है, वो तमो प्रधान सेवा है। तो समझा जा सकता है कि बाप कौन सी सेवा से प्रसन्न होते होंगे। सतो प्रधान सेवा से जरूर प्रसन्न होंगे। और मतलब कोई लिमिट है बाबा, तो 8108 है और 16108 है, कोई नंबर है? आप नंबर तो खुद ही बताते जा रहे हैं। जो 8 देवताएं हैं उनको बाप जितना याद करेंगे वो दूसरी माला के बच्चों को याद थोड़े ही करेंगे उतना। और बाबा निराला माना क्या है? निराला माना आपको क्या? निराला, हाँ निराला माने अनोखा, बिल्कुल अलग थलग। जो कोई से मिलता जुलता न हो, जिसे कहते हैं तुरिया, तेलुगु में क्या कहते हैं, अतीत कहते हैं, अतीत माने पास्ट का। अतीत हिंदी में कहते हैं पास्ट। जो टाइम पास्ट हो गया उसको कहते हैं अतीत। हाँ जी। और मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, यह ब्रह्मा बीच में सोचती है और इंटरफेयर भी करती है, कुछ कुछ बोलते हैं, वो तब लागू होती है और अभी भी लागू होते हैं बाबा के। तो पढ़ाने वाले, पढ़ाने वाला तो ब्रह्मा है, पढ़ाने वाला ब्रह्मा है, पढ़ने वाला ब्रह्मा है, पढ़ाने वाला। तो जो पढ़ने वाला है वो कोई कोई बच्चा इंटरफियर नहीं करता है, करता है तो, ना समझ बच्चा है तो ज्यादा इंटरफियर करता है। समझदार होगा तो कम इंटरफियर करेगा। तो ब्रह्मा तो समझदार नहीं है ना, ठीक है, इसलिए ज्यादा इंटरफियर अपने बच्चेपन को देखने के लिए। हाँ जी ठीक है, माना
दिखा देंगे ना बाबा। हाँ जी हम कुछ पॉइंट्स में डिफरेंस आते हैं। तो ब्रह्मा कुछ पॉइंट्स में तो ब्रह्मा अपने जो बच्चेपन को दिखाते हैं। तो आप समझते हैं ये बाबा की वाणी नहीं है, ये ब्रह्मा की। तो समय भी लागू। जब साकार शरीर था तब भी ये बात लागू होती थी। अब सूक्ष्म शरीर है तो भी ये बात लागू होती है कि ब्रह्मा की सोल इंटरफियर करके बोलती है। जो बात ज्ञान से लागू नहीं होती है ऐसी बात बोल देती है। जिन बातों का ज्ञान से काट हो जाता है ऐसी बातें भी बोल देती है। परंतु जो समझदार बच्चे हैं वो तो समझ जाते हैं। और शास्त्र में ब्रह्म मार्ग के निरासन बहुत विस्तार। जो ब्रह्मा के वाक्य हैं, उन वाक्यों को धारण करने वाला ही जनार्दन बनता है। जन जन के अर्दन को रोने को सुनने वाला, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के रुदन को सुनने वाला, संसार में कोई भी नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक नारायण का ही गायन है। जो भगवान आकर जिसे नर से नारायण बनाते हैं, यही अर्थ है ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। और दूसरी है जो ब्रह्मा द्वारा जो वाणी चलाया शून्य सुप्रीम सोल ने, उनको एक पूरा धारण करने वाले होंगे। सब नंबर वार होंगे धारण करने वाले, या एक जैसी धारणा वाले सभी हो सकते हैं? नंबर वार होते हैं तो नंबर वार हैं। अव्वल नंबर है नारायण। तो अव्वल नंबर पे ये बात जनार्दन लागू होती है। हाँ जी, नहीं तो कहा जाता ब्रह्मम वाक्यम मस्त देवम। ऐसा नहीं है ना बाबा शास्त्र। जो गायन है वो किस समय का गायन है? अंतिम समय का, मानव संपूर्णता। हाँ, इस समय का गायन है। और अक्षर की वाणी में बोला था, याद करते होंगे तो अपने कल्याण करते रहेंगे। तो 1976 का पुरुषोत्तम का प्रत्यक्ष नहीं हुआ, तब बाबा ने समय का किसको याद करने का डायरेक्शन दिया? उस समय तो बेसिक में याद जो सिखाई गई थी वो ही याद है। जब पढ़ाई बेसिक में पढ़ाई गई तो याद भी बेसिक ही याद है। बेसिक की याद माने आत्मा मैं और आत्मा का बाप बिंदु परमपिता परमात्मा। क्यों नहीं कल्याण? बेसिक पढ़ाई से कल्याण नहीं होता है। बेसिक थोड़ी पढ़ाई पढ़ेंगे तो थोड़ा कल्याण, और ऊंची पढ़ाई पढ़ेंगे तो ऊंचा कल्याण। ऐसे थोड़े ही कि वो ईश्वरीय पढ़ाई नहीं थी। जो अम्मा घर में पढ़ाई पढ़ाती है उस पढ़ाई में और ही जास्ती कल्याण है। वो पढ़ाई नहीं पढ़ी जावेगी तो ऊंची पढ़ाई भी गहराई से नहीं पढ़ी जावेगी। और जो ऐसे जो याद किया, मैं ही बिंदु और मेरा बाप भी बिंदु, ये सभी आत्मा यहाँ आई थी। ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का होना चाहिए,
इसलिए याद के लिए स्पेशल बताते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। फाउंडेशन वाली बात पहले याद दिलाते हैं, ऐसे नहीं सीधा बाप को याद करो। क्या करो पहले? पहले बिंदु आत्मा को याद करो तो कॉन्सेंट्रेशन बिंदु बाप के ऊपर जरूर जाएगा, नहीं तो देहधारी में फंस मरेंगे। देह में फंसना और सुप्रीम सोल आत्मा को भूल जाना जैसे कि शव में फंस पड़े। शिव को याद नहीं किया, किसको याद किया? मुर्दे को याद कर लिया। इसके लिए पॉइंट बोले हैं बाबा, तो ये बात बात किसी की कटुत रहती है, तुम डायरेक्ट बाप से सीखते हैं। हाँ जी, एवर इम्प्योर वो है जो पहले पहले इस सृष्टि पर आता है, इसलिए एवर इम्प्योर बनता है। जो पहले पहले इस सृष्टि पर आएगा वो एवर प्योर भी बनता है, बाप समान बनता है। और जो पहले पहले एवर प्योर बनता है वो लास्ट में क्या बनेगा? एवर इम्प्योर बनेगा। और आदर्श ने सागर को पूरा प्रैक्टिकल में पीलिया बोल के बाबा ने बताया सागर को अगस्त तरीके से आदर्श। हाँ जी सर, फिर में सोचे तो ये थोड़ा ही कहा एक सेकंड में हप कर लिया। सागर को अगस्त ऋषि ने पी लिया तो पीने में टाइम लगा होगा ना, ये थोड़े ही कहा एक सेकंड में पी लिया। गंगा को पी लिया, गंगा कोई सागर थोड़े ही है। गंगा तो सागर का एक अंश मात्र है। सागर की तुलना गंगा या कोई भी नदियों से नहीं कर सकते, मानसरोवर से भी नहीं कर सकते। मानसरोवर का तो ये नहीं भैया भी तुम्हारे अपना को मना, तो राम बाप की याद क्या रहेगा बस। मानसरोवर जो है प्रजापिता की ऊंची स्टेज की यादगार है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जहां हंसों का निवास होता है, माला तैयार हो जाती है। बगुले वहां स्थिर नहीं रह सकते, वो पारदर्शी जल होता है। मिट्टी का नाम निशान नहीं होता है, देह अभिमानी की मिट्टी हो नहीं सकती। सागर में तो सब कुछ समाया हुआ है, अगाध कचरा भी समाया हुआ है, नदियों का लाया हुआ सारा कचरा भी समाया हुआ है। रतन भी भरे पड़े हैं और कचरा भी भरा पड़ा है। कहां मानसरोवर है और कहां सागर है।
नारायण की आज्ञा हेलो माताओं में से कोई नहीं बोलता क्या सारी ड्यूटी भाइयों को दे दी हाँ मम्मा जी तब से 1969 जनवरी तक अभी 10 जनवरी तक मुरलिया तो बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाया 10 जनवरी आज भी हो गया अगस्त के काल में तो बाकी थोड़े मुरलिया है क्या जो भी मुरलियाँ रिवाइज में सुनाई जा रही हैं, उनमें से ढेर सारी मुरलियाँ ऐसी हैं जो रिवाइज कोर्स में बीके वालों में सुनाई ही नहीं गई और एडवांस में भी क्रमवार सभी मुरलियाँ नहीं सुनाई गई हैं। जो मिली है वो सुनाई गई है और जब से लेकर सुनाना शुरू किया है पुरानी पुरानी वाणियों को तब से लेकर अब तक नई नई वाणियां और ढेर सारी मिल गई जो अभी तक सुनाई नहीं गई वो भी सुनाई जावेंगी ये क्रम तो चलता रहेगा सागर कभी खलास होता है क्या काम तो पूरा हो गया हाँ जी लेकिन वो जो इतनी कोशिश करते हैं कट करने के लिए वो उतना ज्यादा सच्चाई बाहर निकलते रहे वो तो नर चाहत कछु और है होवत है कछु और आदमी अपने प्रयत्न से कुछ भी करना चाहता है लेकिन जो चाहता है वो हमेशा पूरा नहीं होता है और बाबा ने मोरारजी देसाई को समझाना चाहिए बोलते बाबा ने बताया मोरारजी देसाई को समझाना चाहिए बेहद में मोरारजी देसाई को कृष्ण वाली आत्मा वो भी गुजराती है और जयप्रकाश नारायण भी गुजराती है दोनों साथी हैं एक को कहेंगे ज्ञानी और एक को कहेंगे अज्ञानी अपना ही मुंह तो बैठ करके पीता है तो ज्ञानी कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे और माता के द्वारा स्वर्ग की गेट खोल देने बाबा है माता ही निमित्त बनते हैं स्वर्ग की गेट खोलने के लिए है बाबा फिर माता हम बोले तो एक तो शरीरधारी माताएं होती है बाबा ने कहा थे एक तो शरीरधारी माता है दूसरी माताएं जो जन्म जन्मांतर जो बाबा के संस्कार ले आती है बोल के बाबा ने बताया जन्म जन्मांतर संस्कार ले आने वाली कुछ भी होते हैं ना बाबा माला का संस्कार कोई भी आत्मा पुरुष भी बनती है कोई भी आत्मा स्त्री भी बनती है ये संगम युग की बात है कि संगम युग में जिन्होंने माता का चोला धारण किया है उन माता का चोला धारण करने वालों में जो जगत पिता की पत्नी बन करके रही है जगत पिता के साथ जिन्होंने पत्नी व्रत धारण किया हुआ है
वो जगत की माताएं हैं, उनमें फिर नंबर वार हैं। आठ पटरानियां भी माताएं हैं, यशोदा भी माता है, नौ देवियां भी माताएं हैं, जगदम्बा है अव्वल नंबर माता, जिनके लिए बोला है वो स्वर्ग के गेट खोलेंगी। लक्ष्मी के साथ हाँ जी लक्ष्मी नारायण के चुनाव में ये लिखा हुआ है बाबा, श्री लक्ष्मी का वर्तमान 84 वा जन्म ब्रह्मा मुखवंशावली ब्रह्मा कुमारी का है, जिसका नाम मैंने जगदम्बा रख दिया था। है तो लक्ष्मी जिसको तुमने अभी वर्तमान में जगदम्बा कहा वो महाराष्ट्र बने, वो जगदम्बा सेकेंडरी जगदम्बा है या अव्वल नंबर की जगदम्बा है? शरीर से जगदम्बा है या आत्म की स्थिति से जगदम्बा है? आत्म की स्थिति से जगदम्बा, आत्मिक रूप में जो पार्ट बजाने वाली पार्ट आत्मा है वो लक्ष्मी है, और दोनों के संस्कार जब मिलकर एक हो जाते हैं तो महालक्ष्मी बनती है। ये जो लक्ष्मी को ही भारत माता कह रही है, भारत माता पवित्र स्टेज का नाम है, जगदम्बा सभी धर्मों की अम्बा का नाम है। सभी धर्मों में इतनी पवित्रता नहीं होती है, जो कन्याकुमारी है उसमें जास्ती पवित्रता होती है, इसलिए दो माताओं का विशेष गायन है, कन्याकुमारी और अधर कुमारी। बल गौमुख को ऊंची स्टेज में रखा गया है, क्योंकि बड़ी माता कौन है? भारत माता बड़ी माता है या जगत माता जग बड़ी माता है? जगत माता बड़ी माता है, तो बड़ी माता को मान देना पड़े। बल गौमुख पत्थर का बनाते हैं, अब पत्थर में से ज्ञान जल निकलेगा क्या? उसे स्थूल जल की बात नहीं है, ज्ञान जल की भी बात है, तो भी वो ज्ञान जल मंथन से निकला हुआ जल नहीं है, भले शुद्ध जल है। जैसा जैसा परमपिता परमात्मा ने सुनाया है वैसा ही बोला है, परंतु उसे अमृत नहीं कहेंगे, क्योंकि सुनाने वाला खुद ही माया के चंबे में आकर मृत प्राय हो जाता है। अमृत तो अमर बाप से आता है, अमरनाथ से आता है। जिस अमरनाथ से मानसरोवर का जल तैयार होता है, जहां से ब्रह्मपुत्रा नदी निकली है, ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है, लास्ट में जब नीची स्टेज में आती है तो गौहट्टी से आकर मिलती है। हट्टी गौ कौन है? हट्टी माने अड़ जाने वाली,
स्थिर रहने वाला कि मैं ही सच्चाई के ऊपर हूँ। लक्ष्मी है ना, वो हट्टी है। हट करना अच्छी बात है, हाँ उसी को तो हट्टी गऊ कहा जाता है। हाँ जी, तो गोहाटी से आकर जब मिलती है फिर गंगा में जाकर मिलती है, फिर सागर और ब्रह्मपुत्रा का मेला होता है जिसे गंगा सागर का मेला कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा अलग है, ये बहुत अलग है। ये सुंदर मेला कर दिया सबको, मेरा दला दला के रूप में ये तो है, तो सुंदर मेला हो गया। लेकिन बाबा बोलते हैं जब सतगुरु की बात शुरू होती है तुम बच्चे मेरे सामने खड़ा नहीं सकते, है ना, ये सुंदरता कैसे होता है जब उसी दृष्टि से जो बच्चे बाहर नहीं कर सकते हैं। भक्ति बाद में बोला है, बस 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 अब मैं सहन नहीं कर सकता, हजारों सूर्यों से तेजोमय है। बाप तो बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं, तो सहन करने योग्य नेत्र हैं, यह सहन न करने योग्य है। तो ये तो भक्ति मार्ग में बोला है कि हजारों से सूर्यों से भी जास्ती तेजो में है। तो ज्ञानी तो आप होते हैं, उनको बहुत सुंदरता अनुभव होती है ना। बाप तो प्यार का सागर है, तलखीलापन उनको महसूस होता है जो विरोधाभास लेकर बैठते हैं। कुमार जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, ऐसा है बाबा। कुमार 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 जो चाहे सो कर सकते हैं, कर सकते हैं। निर्माण भी करा सकते हैं और विध्वंस भी कर सकते हैं जी। तो निर्माण के लिए कुछ ना कुछ पवित्रता होना चाहिए ना बाबा, निर्माण के लिए कुछ ना कुछ क्यों ज्यादा ज्यादा है ना, बेसिक मिनिमम प्योरिटी होना चाहिए। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम होना चाहिए। स्थापना होती है पवित्रता से बाबा, लेकिन ये सभी पूरे कृष्ण को बाबा दुर्गानंद से असर के रिश्ते में डाला है। तो ऐसा है, ऐसा हो सकता है जो चाहे जब वो दुर्गानंद से असर उसमें पवित्रता कैसे कैसा स्थापन। कुमार पवित्र को कहा जाता है या आधर कुमारों को अपवित्र कहा जाता है? वो तो सही बाबा, लेकिन सब पुरुष दुर्योधन दुष्ट आसन में कुमार हाँ नंबर बार होते हैं कि सब एक जैसे होते हैं। नंबर बार होती है तो नंबर बार में कुमार अब्बल नंबर या द्वयम नंबर, एक है कन्याकुमारी और एक है अधर कुमारी, तो अब्बल नंबर कौन है? कन्याकुमारी। ऐसे ही कुमार और अधर कुमार, अधर कुमारों को बंदूक चलाने का लाइसेंस मिला हुआ है, जिसको लाइसेंस मिला हुआ है वो तो कहीं भी दनाका करेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, पुलिस कोर्ट कचहरी भी कुछ नहीं कर पा रही है। और कुमारों के पास तो लाइसेंस ही नहीं है, तो उनके लिए इतना आसान नहीं है। तो ज्यादा पवित्रता का पालन कौन कर सकता है? कुमार कर सकते हैं। इसलिए बोला कि अगर चाहें कुमार चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। कुमार की बोला नादर कुमार को बोला नादर कुमारी को बोला हाँ, तो विश्व की बादशाही भी कौन लेते हैं? कुमार लेते हैं, कुमारियां लेती हैं, अधर कुमारियां लेती हैं या अधर कुमार लेते हैं? विश्व का मालिक कौन बनता है?
है साकार पर। तो कुमार होता है, वो कुमार है, ये आधर कुमार होता है, कुमार होता तो कुमार ही है। हाँ तो पालना करना पड़ेगा ना, 76 से पहले कहेंगे प्रवृत्ति है, 83 के बाद प्रवृत्ति कहेंगे या 76 से पहले प्रवृत्ति कहेंगे है? 76 से पहले तो नहीं है, नहीं कहें जब वो विश्व की बादशाही लेते हैं उस समय तो कुमार के स्टेज में यही ना, उस समय तो नाम साथ से ही लेते हैं। विश्व की बादशाही घोषित हो गई 10 वर्षों में, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाएगा। हाँ जी, लक्ष्मी के बगैर तो नारायण भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है या पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है? पवित्र है। तो कुमार कुमारी है या अधर कुमारी है? पवित्र है तो दुनिया के हिसाब से कुमार ही कुमारी है। और रामायण में राम को तो भगवान के रूप में दिखा दिया, फिर हनुमान को क्या दिखाया है? है दास के रूप में दिखाया, राम का दास के रूप में दिखाया है, तो वो आत्मा कौन है? फिर बात का जवाब मिला, मतलब जो भी विघ्न आते थे राम के जीवन में उनको विनाश कौन करता था? वही आत्मा है। और लेकिन मैं जानवर में नहीं आता हूँ, लेकिन माँ के रूप में आए ना, रूप में आए मैं माने बाप, सुप्रीम सोल है जी, तो माँ के पास बचा है ना, तो ब्रह्म वाले उसे बाप नहीं कहेंगे ना, भगवान बाप, गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर। संगम समय ब्रह्मा द्वारा जीवन मुक्ति और शंकर द्वारा मुक्ति के समय, ब्रह्मा द्वारा जीवन मुक्ति और शंकर द्वारा मुक्ति देता हूँ, तो गलत क्या लिखा है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? ब्रह्मा अरे स्वर्ग का गेट कौन खोलेंगी? तो ब्रह्मा का प्रैक्टिकल रूप कौन होगा? तो समझ में क्यों नहीं आता है? मुक्ति माने जन्म लेना, बुढ़ापा आना और मृत्यु आना, तीनों प्रकार के दुखों से जो भय पैदा होता है वो खत्म हो जाए। और तो राम बाप ने सुप्रीम सोल ब्रह्म वाली आत्मा प्रवेश दोनों के मिलकर के शंकर कह के तो शंकर के बाद पहुंचे, लेकिन वो सरस्वती की आत्मा जो है
वो ब्रह्मा से भी ठीक है ना ज्ञान में। हाँ जी, वो क्यों प्रवेश नहीं कर सकते हैं बाप में? लेकिन फॉलो किसको करती है? ब्रह्मा को फॉलो करती है। तो नीच को फॉलो करती है या ऊंचते ऊंचे बाप को फॉलो करती है? इसलिए प्रवेश नहीं कर सकती। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर रहे हैं बाबा? वो ब्रह्मा को फॉलो करती है। वो करती है बाबा, लेकिन ब्रह्मा की प्रवेश, ब्रह्मा की प्रवेश, ब्रह्मा की आत्मा जो है वो सरस्वती को फॉलो नहीं करती है। बाप को फॉलो करती है? बाप को जानती ही नहीं, फॉलो कहाँ से करती है? तब वो कैसे उसमें प्रवेश करती है? वो तो खुद ही अपन को भगवान समझे बैठा है। हाँ, वो पक्का सन्यासी है। ये सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। बाप को उसको प्रवेश, दुनिया में जितने भी धर्म पिताएं हुए हैं मनुष्य गुरु के रूप में, वो सात सन्यासी हैं। ये तो सबका गुरु हो गए, मनुष्य गुरुओं का। ये मनुष्य गुरुओं का सबका बाप है, सब मनुष्य गुरुओं का, और इसका भी बाप, बापों का बाप, शिव बाप। योग्यता से, योग्यता देखकर बाप को उसमें प्रवेश करने के परमिशन नहीं बना है कुमार को। है इस योग्यता देख करके तो बाप उनमें उसको प्रवेश करने की मतलब परमिशन बना है। सच्चाई सफाई, ब्रह्मा में जो सच्चाई सफाई है, जो सादगी है, जो बच्चापन का जो खुशबू है, वो और कोई आत्मा में नहीं है। वो जितना जानता है उतनी पवित्रता को फॉलो करता है। अब उस बच्चे की बुद्धि में बैठाओ कि असली पवित्रता क्या है, उनकी बुद्धि में ये अभी बैठा ही नहीं है, ब्रह्मा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में, कि असली पवित्रता है साथ में रह करके कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। जब ये बात उनकी बुद्धि में बैठ जाए तब न माने तो झूठा है। इसलिए शिव बाबा ने मुरली में कहा है, मेरा प्यारा बच्चा कौन सा है? कृष्ण बच्चा मेरा प्यारा बच्चा है, ब्रह्मा ही मेरा प्यारा बच्चा है। ये नहीं कहा शंकर मेरा प्यारा बच्चा है। तो शंकर के थ्रू कह रहा है, शंकर तो एक बाप हो गए। थ्रू तो कह रहा है, बाद में जब क्लैरिफिकेशन देता है तब। लेकिन ब्रह्मा के मुख से तो पहले ही बोला हुआ है कि मेरा प्यारा बच्चा कौन सा है, ये ब्रह्मा ही मेरा प्यारा बच्चा है। और ब्रह्मा को बनी भी बोला है। हाँ जी, ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, तो जगदम्बा जगदम्बा है तो बनी नहीं है। और विजय मारा का आह्वान कर रहा हूँ, अब दादा के विजय मारा का आह्वान करने के लिए बोला है। आह्वान हम जिसको करते हैं जो हमारे से उच्च है, लेकिन रुद्रमाला तो पहले बनती है, रुद्रमाला बाप की माला सबसे उच्च है। अरे है अभी, अभी नहीं है सर, जब है ही नहीं तो नीचे है ना अभी, मतलब पवित्रता की बात। ज्ञान में ऊंच भी तब है जब ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करे, नहीं तो रावण है या ऊंच है? रावण तो रुद्रमाला तो विजय वाला में ज्ञान हो जाएगा जी, कहीं पहले बनने वाला रुद्रमाला है? पहले पहले तो रुद्रमाला बनती है, बनती है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग है।
अभी कुंडली नहीं मिल रही है, जब वो आता है तब मिलता है। हाँ जी, बन रहा है तो बनते कहाँ है, मुख्य मुख्य डायरेक्शन क्या है ऊंची से ऊंची बाप का है? बने पवित्रता जब तक वो माता है, माता ही सर्वधार होना है। तो फिर लेकिन बाबा पावन संबंध है, जब याद करते हैं याद से ही पावन बनते हैं। याद से पावन तो बनते हैं, लेकिन याद ठहरती है। याद तो याद के लिए याद करना है ना बाबू, साकार में निराकार को याद करना है। ठीक है, विजयमाला तो इसमें विजयमाला की क्या गलती, जब उन्होंने पहचाना ही नहीं है। ये तो आपकी गलती है कि उनको पूरा ज्ञान दिया ही नहीं अभी तक है। ठीक है, अच्छी बात है। बावत कहते लास्ट में आने वाले भी फास्ट चले जाएंगे अपनी प्योरिटी की पावर से। उनमें जन्म जन्मांतर की इतनी प्योरिटी समाई हुई है तो ज्ञान में आने मात्र से ही एकदम फास्ट चले जाएंगे। बनी बनाई बन रही अब कछु बन नहीं ना है। बनी बनाई बन रही मैंने कब बनी, 63 जन्मों में बनी चली आई है। 63 जन्मों में उस आत्मा ने एक के साथ संयोग जोड़ा है, अनेक आत्माओं के साथ व्यभिचारिणी नहीं बनी है। तो प्रभाव रहता है प्योरिटी का। साकार प्रयास करते हैं, निराकार प्रयास करते हैं। बाप कहते हैं तो बाप अपने बाप को समझकर बाप को याद करना है, ऐसे कहने में मतलब सुप्रीम सोच जरूरी है। और मनुष्य की बात देना तो मनुष्य प्रजापिता के थ्रू बोल रहे हैं, राम बाप के द्वारा बोल रहा है। इसलिए तो बाप को मतलब जब बाप शब्द में दोनों शामिल है, मतलब सुप्रीम सोच बिंदु है और मनुष्य का पिता है, वो दोनों शामिल है, तब बाप को बाप बुरा नहीं तो कोई रंग नहीं है ना बाप। बाप को बाप बुरा नहीं कोई रंग नहीं है ना। बाबा अच्छे तो मीठा है वो तो बोला है। बार बार बाप की शब्द आती है बुरे में, बार बार बाबा भी तो आता है, बाबा भी आता ही है। तुम्हें क्या याद करने के लिए बोला, तुमको बाप याद करने के लिए बोला है कि बाबा याद करने के लिए बोला? लेकिन बाप को याद करने के लिए बोला है ना बाबा। बाप कहने से प्रवृत्ति याद आती है या बाबा कहने से पूरा परिवार याद आता है? पूरा परिवार की बात। अरे लेकिन वो बाप को मुझे याद करो मतलब इसी शरीर से ही। बाप नहीं कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। बाप तो बिंदी का नाम है, वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। और प्रजापिता तो कह ही नहीं सकता मुझे याद करो, जो मनुष्यों का बाप है। जो सुप्रीम सोल है वो कह सकता है, लेकिन तब कहता है जब शरीर में प्रवेश है। तो शरीर में प्रवेश है तो बाबा है या बाप है? तो शिव बाबा है। लेकिन दो बाप वो समझानी है कि तुम्हारे दो बेहद के बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा शरीरधारी मनुष्यों का बाप। मनुष्यों के बाप के बगैर
आत्माओं का बाप संसार में व्यक्त नहीं होते, प्रत्यक्ष ही नहीं होते, वाणी भी नहीं चला सकते, कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि बाप आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। तो सुप्रीम सोल बाप की पहली प्रवृत्ति शंकर के साथ है, उस बाप को भी आप समान बना लेता है, तब प्रवृत्ति बनती है। शिव शंकर भोलेनाथ ये भी बोलते आए, तो अगर कोई आएंगे तो उनसे पूछो तो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, तो बाप का बहन बच्चे देना है पहले, परमपिता परमात्मा ना दोनों साकार बाप है और साकार बाप के मेल हो गए हैं, बाप का बच्चे दोनों का मेल हो गया ना बाबा, तब जब बुद्ध शब्द में दोनों का मेल है निराकार और साकार, तब बाप बाप को बना रहे हैं, मुझे परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है पूछिए, अगर कोई आएंगे तो जरूर बाप और बाप का परिचय पहला देना है, बाप की परिचय बना बिंदु का परिचय नहीं है, तो इस सागर में सुप्रीम सोल प्रवेश करके बाप टीचर और सतगुरु की पाठ बजा रहा है उसका परिचय है, प्रजापिता भी तब आविष्कार होते हैं जब सुप्रीम सोल में प्रवेश करके बोलते हैं ये मनुष्य सृष्टि का बाप है, नहीं ना बाप, समझाओ ना क्या समझाना चाहते, तो ना ये बाप बोल ऐसा बात नहीं है, मैं समझ रहा हूँ क्या रंग नहीं है, बाप बाप बोलने में वर्षा तुम्हें निराकार से लेना है बाप से लेना है या साकार निराकार के मेल से लेना है, साकार के थ्रू निराकार से लेना है, निराकार कैसे वर्षा देगा, साकार थ्रू देगा, साकार और निराकार दोनों मिलकर के ही, तुम कहेगे हमें आपकी आत्मा से लेना है, हमें आपके शरीर से कुछ लेना नहीं, तो ये होशियारी की बात है, ऐसे ही तुम्हारी बात है, बाप जब शब्द आता है तो आत्माओं के बाप के लिए इंट्रोड्यूस हुआ, और आत्माओं का बाप अकेला कुछ नहीं करता, साकार बाप जरूर चाहिए, और जब साकार बाप से मिलता है तो बाबा है, क्योंकि वो बाप हो गया वो उसका भी बाप हो गया, बाबा किसको कहा जाता है, ग्रैंडफादर, तो वो ग्रैंडफादर है, हमें ग्रैंडफादर का वर्षा लेना है, बाप का वर्षा हमें मिले न मिले लेकिन किसका वर्षा जरूर मिलता है, बाबा का ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है, कोई बाप नाराज हो जाए बच्चे को फारकती दे दे निकलो घर से बाहर, बच्चा कुछ नहीं कर सकता घर से बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो अपने बाबा का वर्षा ले सकता है बाय दी कोर्ट, कोर्ट उसको मना नहीं कर सकता, बाबा का वर्षा जरूर मिलता है, तो हम ब्रह्मा बाप का वर्षा लेने नहीं आए हैं, किसका वर्षा लेने आए हैं, शिव बाबा का वर्षा लेने आए हैं, बाप से कुछ नहीं मिलेगा, बाप 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 हिलाए फिर रहे हैं, भारत गिरा है तो सब गिरे है, भारत 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 के बारे में बोले हैं, भारत गिरा है तो सब गिरे, भारत ही रेस्पॉन्सिबल है अपने को गिरने और सबको गिराने, माना तो भारत को तो माना यहाँ भारत की तो राम वाली आत्मा की तरफ बोला है ना, भा माने रोशनी और रत माने लगा रहने वाला, जो 84 जन्मों में लगातार ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है वो उसका नाम है भारत, ठीक है वो राम बात नहीं बोले, हाँ जी, लेकिन तो जब वो रिस्पॉन्सिबल है सब वो गिरने में और गिराने में, तब जो ये ब्रह्मा को क्यों मतलब एक एक से पति बंद सब पद बनते और एक से पावन बनने से तब सब पावन बनते हैं, तो ब्रह्मा को क्यों लगा दे, ब्रह्मा को क्यों लगा दे, तो एक से एक पति बन से सब पति बनती है, तेरह बारी सर्व का बना ब्रह्मा की तरफ बोला है ना,
बोला है ना, तेरे बाने सर्व का भला, सर्व का भला, ये ब्रह्मा के लिए बोला। माने जब ये ब्रह्मा की बुद्धि में यह बैठती है तो शिव से भगवान शिव के वगैरह तब तो सुधार हो जाएगा। तो जब भारत रेस्पॉन्स, मतलब रामबा ने आपका रेस्पॉन्स और किनारे की रेस्पॉन्स, तुम्हारी बुद्धि में इतनी ही बात आधी क्यों बैठती है कि भारत ही गिरने और गिराने के निमित्त है? इसके आगे भी तो कोई ज्ञान है कि नहीं है? इसके आगे का ज्ञान क्यों भूल जाते हो? इसके आगे का ज्ञान है भारत ही उठने और उठाने का भी निमित्त है। सारी दुनिया को उठाने का निमित्त कौन है? भारत ही है। तो ब्रह्मा को ही उठाने के लिए तो कौन पहले उठेगा? पहले बच्चा, बच्चे का उद्धार करेगा कि पहले दुनिया का उद्धार करेगा? तो पहले पत्ते का पहले उद्धार करता है। वो बाप कैसा जो जो अपने बच्चे का उद्धार न कर सके? और साक्षात्कार का चाबी शिव बाप के पास रहता है। मुरली में शिव बाप बोला है या शिव बाबा बोला है? टप गए। चलो हाँ, तो कोई किसी को कुछ नहीं कराता है, कोई किसी को कुछ नहीं देता है। ड्रामा प्लान अनुसार सब ऑटोमेटिक होता रहता है। अभी यहाँ जिन्होंने जैसी जैसी शूटिंग की है वैसा वैसा वहाँ प्राप्ति होती रहती है भक्ति मार्ग में भी। बोलने की जरूरत क्या है? जब द्वापर युग में और कलयुग में हीरो पार्ट धारी आत्मा जो पार्ट बजाएगी वो हीरो पने का ही पार्ट बजाएगी या नीचा पार्ट बजाएगी? नीचा पार्ट बजाएगी। भले नीचे गिरते हैं सब, लेकिन नीचे गिरने में भी, पतित बनने में भी हीरो पने का पार्ट होगा या साधारण पार्ट होगा? हीरो पने। तो जो हीरो पने का पार्ट है, जैसे शिवाजी का पार्ट है, तो महाराष्ट्रीयन लोगों की बुद्धि में क्या बैठता है कि यही हमारा हीरो है? जैसे बुद्धि में साक्षात्कार हो जाता है, और भक्ति मार्ग में शिरडी साई, फुटपति साई, अद्वैता बेहद साई, फुटपति साई, फुटपति साई बेहद का आद कौन कौन हो या क्या? कौन शिरडी साई, कौन फुटपति साई ऐसे बोलेगा? फुटपति बाबा है बड़े बड़े बालों वाला, और एक शिरडी साई है साधारण बैठा हुआ है। तो दो बाबाएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में भी, दो बाबाएं हैं। एक छोटा बाबा देखने में छोटा लगता है और एक बड़ा बाबा देखने से ही लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा बड़ा आदमी लगता है। तो वहां भी है तो यहां भक्ति मार्ग में भी है। और बूढ़ी माता बताई मधुबन में सुनाई, मधुबन में सुनाई, मधुबन में कौन सुनाई बाबा? बूढ़ी माता कौन? वो बटी आता नहीं बाबा। बूढ़ी माता ने मधुबन में कोर्स कराया? कोर्स कराया बाबा। हाँ, बट्टी का नहीं, बट्टी किया नहीं बाबा, बट्टी किया नहीं, कोर्स किया है लेकिन बट्टी किया कराओ, बट्टी ट्रेन करने बट्टी कराओ,
निश्चय बैठ गया हो तो हाँ। ज्ञान है भोजन और ज्ञान इच्छा। दूर में जब हम भोजन खाते हैं तो बीच बीच में जल लेते हैं भोजन पचने के लिए, तो यहाँ जब याद की भोजन हम खाते हैं, मैं आत्मा मेरा याद समझ से याद देना बात है, मैं और बाबा और दूसरा कोई नहीं, उस स्टेज में तो ज्ञान की जल किस रूप में लेना है, मतलब बचने के लिए भोजन बचने के लिए ज्ञान की जल किस रूप में लेना है। जो मनन चिंतन मंथन करते हैं उसमें बाबा की मुरली की बातें याद आती हैं या नहीं आती हैं? लेकिन वो तो सेकंडरी हो गई ना बाबा, सेकंडरी याद है ना, याद तो समझ से याद नहीं कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं। जो ज्ञान के पॉइंट से याद आते हैं वो हमारा पेय है, पीना। हाँ जी, जैसे पानी पीते हैं तो पानी भोजन के साथ मिक्स होता है, वो हमारा मंथन है, जितना जितना मंथन करेंगे उतना अच्छा रस बनेगा, मंथन नहीं करेंगे याद के फोर्स से खुशी तो चढ़ गई और माया ने हमला कर दिया, रह जाएंगे, गर्मी चढ़ जाएगी दिमाग में, इसलिए याद की यात्रा के साथ साथ ज्ञान भी जरूरी है। बाबा की मुरली रोज ही सुननी चाहिए, क्योंकि रोज नए नए पॉइंट बाबा की मुरली में मिलते हैं। नदियां भी ज्ञान देती हैं, लेकिन नए नए पॉइंट नहीं देंगी। लेकिन निराकार स्टेज आकार स्टेज से ना सबसे निराकार स्टेज, निराकार स्टेज भी तब बनेगी जब हम सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे। ऐसे नहीं होता है कि पहली सीढ़ी पर पांव रखा और आखिरी सीढ़ी कोई चढ़ जाएगा, हम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। और बाबा राम जी रावण करते हैं और कृष्ण कंस होते हैं। हाँ जी, जो आदि में हुआ वो अंत में हो गए। है कृष्ण कंस करता है ना, अंत में कैसा लागू होता है? क्यों अंत में कन्याएं नहीं निकलेगी सारी दुनिया में से? अरे कन्याओं को कौन कोसता है? कंस कोसता है। अंत में और ज्यादा निकलेंगी या कब निकलेंगी? ज्यादा निकलेंगी, और छोटे छोटे घरानों से निकलेंगी या बड़े बड़े घरानों से भी निकलेंगी? बड़े बड़े घरानों से भी निकलेंगी। और पूछो बाबा। हाँ जी, तो 4.5 लाख जो अंत में बचती है सुरक्षित होती है बर्फ में, सारी रुद्रमाला आत्मा ही खुश बनना है और विजय माला भी बनना है, तो इसकी आकार की चेंज कब होगा?
अंतिम समय में जो साढ़े चार लाख की बस्ती है ना, साढ़े चार लाख, हाँ, तो उनका शरीर भी बर्फ में सुरक्षित होते हैं। माता है उस समय तो रुद्रमाला माता जी, हाँ, रुद्रमाला आपका सभी पुरुष बनना है, रुद्रमाला आपका जो है वो सभी पुरुष बनना है, मतलब जो स्त्री को लेकर वो हुआ है वो भी पुरुष बनना है, और विजय माला की पुरुष है वो स्त्री बनना है। तो आर्गास की चेंज, आर्गास की चेंज होता है ना, पुरुष स्त्री पुरुष बनना और पुरुष स्त्री बनना, हाँ, वो किस समय में होता है, तो बर्फ की बर्फ में रहने के समय में चेंज होती है और बाद चेंज होते हैं इसी समय के, अभी चेंज नहीं हो रहे हैं। अभी जब चेंज होते हैं तो क्या बर्फ डाली जाती है बाहर, बाहर की दुनिया में? अरे बाहर की दुनिया में जो होगा वही तो होगा यहाँ, तो अभी जो बाहर की दुनिया में चेंज होता है, स्त्री से पुरुष बन जाते हैं, पुरुष से स्त्री बन जाते हैं, तो उनके वो बर्फ में दबाया जाता है क्या? नहीं बाबा, नहीं, वो तो हो जाता है ना, वो स्वभाव संस्कारों की तीव्रता हार्मोन्स को चेंज कर देती है। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है वो मेडिकेशन द्वारा, मतलब मेडिसिन द्वारा, दवाई द्वारा, ऑपरेशन द्वारा हो रहा है वो? नहीं नहीं, बिना बिना दवाइयों के भी होता है। और बाबा जब रुद्र की रचते हैं तब लाखों सारी ग्राम बचते हैं, एक लाख सारी तो ये एक लाख सारी ग्राम में ऐसी मैं समझ रहा हूँ जो सूर्यवंश की जो 50,000 जो आसना है बाबा सूर्यवंश वो है, और जो चंद्रवंश से निकलने वाला जो 50,000 है वो याद करेंगे 50,000 हो जाएगा, और जैसे जो जन्मलिंग है ब्रह्मा सरस्वती जैसे वही 50,000 होने वाला, पर तुम वो आदि सनातन आदि पक्के ये एक लाख को कहते हैं, यानी सिर्फ सूर्यवंश की जो 50,000 है उनको कहते हैं। सनातन धर्म प्रवृत्ति मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का है? तो प्रवृत्ति में 50,000 हैं या एक लाख हैं? एक लाख बस। किसी ने पूछा है ब्रह्मा कुमारी लोग जब मुरली पढ़ते हैं तो ब्रह्मा बाबा की तरफ पीठ करके मुरली क्यों पढ़ते हैं? नहीं समझ में आया? ब्रह्मा बाबा का चित्र पीछे लगा होता है, ऊपर शिव नीचे ब्रह्मा, और संदली पे बैठ करके आगे ब्रह्मा कुमारी मुरली सुनाती है, तो जब मुरली सुनाती है तो पीठ करके मुरली सुनाती है या सामने बैठ के मुरली सुनाती है? सामने उसके सामने उसको पीठ रखकर, हाँ, ये पूछा है ब्रह्मा कुमारी लोग मुरली पढ़ते हैं तो ब्रह्मा बाबा की तरफ पीठ रख करके क्यों पढ़ते हैं? हाँ, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है जो ब्रह्मा बाबा की बात को नहीं मानते, उनके मुख की बोली हुई बातों को मुरली नहीं मानते, उस मुरली को खुद पढ़ेंगे और जो मनमाने अर्थ लगेंगे सो मानेंगे, उन्होंने जो कुछ बोला है उसको पीछे दे देंगे। और है लोग
को ये टेस्ट मिला है तो हम लोगों को आशीर्वाद हो जाएगा। जी ओम शांति।